गुजरात में पाटीदार आंदोलन खड़ा करके हार्दिक पटेल ने बीजेपी की नींव हिला दी थी। जिस गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आते हों, बीजेपी का जहां पर दबदबा था वहां पर इस आंदोलन से बीजेपी बुरी तरह हिल गई थी। लेकिन अब जब हार्दिक पटेल खुद बीजेपी में आ गए हैं तो सवाल खड़ा हो गया है कि क्या बीजेपी को इससे फायदा होगा या इससे कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। गुजरात में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हार्दिक पटेल ने बीजेपी का 7 साल तक विरोध किया। हार्दिक पटेल की राजनीति ही बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़ी हुई थी। लेकिन अब वही हार्दिक पटेल बीजेपी के साथ चले गए हैं। 4 साल पहले उन्होंने पाटीदार आरक्षण आंदोलन को खड़ा करने के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी की थी। हार्दिक पटेल ने अपने समुदाय के सदस्यों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण की मांग के लिए भूख हड़ताल की थी। उससे पहले एक वीडियो संदेश भी जारी किया था। हार्दिक ने अपने वीडियो संदेश में कहा था, जब तक मेरे समुदाय को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता मैं अपना उपवास जारी रखूंगा, मेरी जान भी चली जाए तो भी। लेकिन सरकार को अब आरक्षण पर अपना रुख तय करना होगा। हालांकि बीजेपी ने उनकी आरक्षण की मांग को नहीं माना। अब वो बीजेपी में आकर पाटीदारों के लिए क्या करेंगे, उनका क्या रुख होगा, इस पर पाटीदार समाज की नज़र रहेगी। जेएनयू के राजनीतिक विज्ञान के सेवानिवृत्त प्रोफेसर घनश्याम शाह कहते हैं, हार्दिक को 2015 में समर्थन मिला था जब कॉलेज जाने वाले छात्र नौकरियों में गिरावट महसूस कर रहे थे। उनके कई सहयोगियों ने उन्हें अब छोड़ दिया है या निष्क्रिय हो गए हैं। वह चुनाव के लिए कोई भौगोलिक आधार बनाने में विफल रहे हैं। कांग्रेस के साथ समस्या यह है कि उसके पास दीर्घकालीन दृष्टिकोण नहीं और वे अवसरवादी हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके कांग्रेस छोड़ने या बीजेपी में शामिल होने से दोनों में से किसी पर कोई फर्क पड़ेगा। 2017 में उनका प्रभाव नहीं पड़ा, मुझे लगता है 2022 में बहुत कुछ नहीं करेगा। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान हार्दिक पटेल महज 24 साल के थे, चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे। हार्दिक पटेल 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे और उसके कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। हालांकि बीजेपी में उन्हें ऐसे किसी पद से सम्मानित किया जाएगा इसकी संभावना बेहद कम है। आज वो 28 साल के हैं और दिसंबर 2022 में गुजरात चुनाव में लड़ने के लिए योग्य हैं और वो उत्सुक भी हैं। अगर गुजरात में हार्दिक और पाटीदारों की दमखम की बात करें तो गुजरात में पाटीदार समुदाय की आबादी लगभग 12-14% है। 3 दशकों से पाटीदार बीजेपी के प्रबल समर्थक रहे हैं। राज्य में करीब 55 सीटें हैं जहां पर पटेल वोटर हावी हैं। 2017 में बीजेपी ने 29 लेउआ पटेल और 23 कड़वा पटेलों को टिकट दिया था। कांग्रेस ने 26 लेउआ और 21 कड़वा उम्मीदवार उतारे थे। 2017 में कांग्रेस ने सौराष्ट्र और कच्छ को मिला करके 54 में से 30 सीटें जीती थी कांग्रेस को, जबकि 2012 में महज 16 सीटें मिली थी। 2017 में लोक नीति की चुनाव के पहले हुए एक सर्वे के अनुसार 2017 में कड़वा पटेलों ने 68%, लेउआ पटेलों ने 51% वोट बीजेपी को दिया था, जबकि 2012 में ये वोट शेयर 78% और 63% था। 2017 में पाटीदारों के बीच कांग्रेस का शेयर बढ़ा था। 2017 में कड़वा पटेलों ने 27% और जबकि 46% लेउआ पटेल ने वोट दिया था। 2012 में ये केवल 9% और 15% था। बीजेपी चुनाव से पहले फिर उन्हीं पटेलों को अपने पाले में करने का काम कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी पिछले 3 महीनों में पाटीदार समुदाय के कम से कम आधा दर्जन कार्यक्रमों को संबोधित कर चुके हैं। हार्दिक पटेल के बारे में कहा जा रहा है कि हार्दिक पटेल के खिलाफ 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 2 मामले देशद्रोह के भी हैं। हार्दिक पटेल को उम्मीद है कि बीजेपी में आने के बाद उनके केस सरकार वापस ले लेगी, जिससे वो बड़ी राहत मिल जाएगी। बीजेपी के एक नेता के मुताबिक हार्दिक पटेल को पार्टी में अपने तरीके से काम करना होगा। एक टीम के हिस्से के रूप में काम करने की उनकी क्षमता और एक पार्टी सदस्य के रूप में उनके अनुशासन का परीक्षण किया जाएगा। उनके लिए कोई सजी हुई भूमिका नहीं है और उन्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने आरोप लगाया कि पटेल अपने खिलाफ मामले वापस लेने के लिए पिछले 6 महीने से बीजेपी के संपर्क में थे। वह अवसरवाद की राजनीति है और कुछ नहीं, गुजरात इसे समझता है। हालांकि हार्दिक के बारे में राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि हार्दिक का गुजरात जैसे राज्य में प्रासंगिक बने रहने का उनका अंतिम प्रयास प्रतीत होता है, जिसके राजनीतिक परिदृश्य में पिछले 28 वर्षों से भाजपा का दबदबा रहा हो।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।